ये हमने पानी ले लिया है और अभी इसके बाकी के जो चीज़ें हैं वो भी निकाल लेते हैं। हमें लगेगा शैम्पू एंड ये है इसका वैक्स एंड ये इसका स्पंज और ये टायर क्लीन करने के लिए। सो चार आइटम्स। ट्रंक को कर देते हैं बंद। सबसे पहले इसकी बैटरी लगा लेते हैं। सो हो गया। अब लेते हैं ये शैम्पू। ये है हमारा फोम करने का, तो इसमें मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी शैम्पू। सो ये है एंड थोड़ा सा इसमें, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि कार रिंस होने के बाद हमें ये लगेगा। अब इसका ये कनेक्टर भी लगाते हैं। दिस इज़ द नोज़ल। सो इसमें दो आते हैं, एक होता है जो पॉइंटेड होता है, दिस इज़ द पॉइंटेड वन, और एक होता है जो एंगल में स्प्रे होता है। सो वो एंगल वाला हमें चाहिए, दिस इज़ द वन। चलिए इसको फिट करते हैं इसमें। तो अभी हम रिंस कर रहे हैं, एज यू कैन सी। गाड़ी अभी रिंस हो चुकी है, नाउ इट्स शैम्पू टाइम। चलिए अब इसको फोम करते हैं। तो फोमिंग तो हमारी हो गई, नाउ इट्स टाइम टू स्क्रब। Now it's time to wash. भी हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द पॉलिश एंड देन वाइप इट विद इट। ये हमारा पॉलिश है विच इज़ अ टर्टल वैक्स एंड ड्राई, एंड ये नॉर्मली आपको जो गाड़ी जब वेट होती है वॉशिंग के बाद इसको अप्लाई करना है। यू डोंट हैव टू ड्राई, जब गाड़ी भीगी होगी, गीली होगी, तभी इसको अप्लाई करना है। चलिए That's it. तो अभी हमने इसको पॉलिश अप्लाई कर दिया है, नाउ इट टाइम टू वाइप। ओके, तो मैं इसको फटाफट अभी क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो पानी है, उसके ऊपर वैक्स है, ये माइक्रोफाइबर है, इससे मेरे को क्लीन करना है। सो लेट्स कंटिन्यू एंड आई विल शो यू द रिजल्ट्स वंस द कार इज क्लीन। गाड़ी हमारी अभी क्लीन हो गई है, नाउ लेट्स गो एंड यू नो टेक अ लुक कि ये कैसा दिख रहा है। दिस इज व्हाट द ग्लेज इज।